किसानों की भूमि है जो पूरे देश की भूख को काटने का काम करती है। हरियाणा की भूमि का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से कभी न कभी सन 1857 से लेकर आज तक कोई गांव के बेटे ने देश के लिए जान नहीं दी है, ऐसा कोई गांव मिल नहीं सकता। ये वीरों के क्या की माताओं ने ऐसे नौनिहालों को जन्म दिया जिन्होंने घूम के हर दिन कतरे तक देश की सुरक्षा के लिए काम किया। और मैं आज इस भूमि पर आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं 40,000 से ज्यादा लोग इस कश्मीर की रक्षा के लिए मारे गए। आज हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए शांति प्रदान की। इस हरियाणा की भूमि में लोकसभा के चुनाव के अंदर 10 कमल यहां से आपने दिल्ली भेज दिए, हमारे अरविंद शर्मा को सांसद बना के भेज दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले ही सत्र के अंदर 70 साल से कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई प्रधानमंत्री आ रहे, कई प्रधानमंत्री गए, मगर 370 को छूने का कोई हिम्मत नहीं था। कांग्रेस की तो इच्छा ही नहीं, 370 को हटाएंगे तो क्या होगा, खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर को कैसे संभालेंगे, तरह तरह की बातें आज भी कांग्रेस के लोग पार्लियामेंट के अंदर करते थे। मगर आपने मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने तल तनिक भर के विचार करे तो है 370 को उखाड़ कर फेंकने का काम नरेंद्र मोदी। और एक ही काम के कारण आज कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनकर आज हमारे साथ संसद के अंदर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, आज आजाद नदियां छोड़िए खून का कचरा भी नहीं बहा, एक भी आदमी की जान नहीं गई है। एक गोली चलाने कश्मीर के अंदर शांति लोग मैं आज जम्मू की 87 स्वातंत्र सेनानी की भूमि पर आया, हरियाणा की वीर भूमि पर आया, तो मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं हरियाणा की जनता का वोट मांगने के लिए जब आप आए तब उठा साहब श्री राहुल गांधी आप हरियाणा की जनता को जवाब दीजिए कि आप धारा 370 का हटाने का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। इन्होंने तो संसद के अंदर विरोध किया कि धारा 370 नहीं हटानी चाहिए। मैं आपको एक दूसरा मौका दे सकता हूं कि हरियाणा की जनता के पहल सामने एक बार कह दीजिए कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई वो अच्छा काम किया, शायद हरियाणा की जनता आपको माफ कर दे जो पार्लियामेंट के अंदर आपने। मगर सर मारने की जगह गरज गरज कर हमें सवाल धारा 370 क्यों होता है आप हमें क्या सवाल पूछते हैं 370 क्यों होता है? देश की जनता, हरियाणा की जनता, महम की जनता जानती थी 370 क्यों, 370 हटानी चाहिए इसलिए हमने हटाई, कश्मीर को देश के साथ हमेशा के लिए जोड़ने के लिए 370 हटाई। आप हमें क्या पूछोगे गुलाम नबी साहब, मैं पूछता हूं आज तक आपने धारा 370 क्यों नहीं हटाई, इसका जवाब हरियाणा की जनता। क्या हरियाणा की जनता को क्या क्या है, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पार्टी से ऊपर उठकर देश का शोक हुआ, हम भी विपक्ष में रहे आपसे ज्यादा समय रहे, हमें तो आज सत्ता में जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले आए तो आपने 55 साल इस देश पर शासन किया, बांग्लादेश की लड़ाई
गांधी आपकी नेत्री देश के प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश में सेनाओं ने विजय प्राप्त करी, अटल जी जनसंघ के नेता थे, संसद के अंदर सबसे पहली बधाई अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दी। इंडिया मामला देश का होता है, पार्टियों का नहीं होता है, नेताओं का नहीं होता है, और जब देश का मामला आता है पार्टियों से ऊपर उतर इसका सफर है। और ये राहुल गांधी जो है मानते ही न मां का मानते हैं, न दोस्तों का ना मानते हैं, न महल वालों का मानते हैं, क्या करेंगे? बस ये नहीं, बस मुझे बताओ हमारे पूरी में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 12 जवानों को जिंदा जला दिया, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अच्छा किया या बुरा किया बताओ? सुना ही नहीं पड़ता माता है, जोर जोर में अच्छा किया बुरा किया? अब राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी आप जवानों की खून की दलाली करते हैं। सही, जवानों की खून के ये दलाली शब्द प्रयोग संत करो। राहुल गांधी कभी शहीद के घर पर गए हो? उसकी विधवा की नाक के हाथों पर आकर को छुना है? उनके अनाथ बच्चों के निस्वार्थ को कभी सुना है आपने? अब शहीदों के सुख खून के लिए दलाली शब्द का प्रयोग करते हो? और मोदी जी ने तो लंके की चौक पर सेना के 12 शहीद जवानों का पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। आपको शर्मानी चाहिए, आपको शर्मानी चाहिए, आपने उसके सबूत मांगे। पाकिस्तान ने भी सबूत मांगा, आप भी सबूत। पाकिस्तान भी कहता है 370 मत हटाओ, आप भी कहते हो 370 मत हटाओ। पाकिस्तान ने भी एक्स का इतना विरोध किया, आप भी एक्स का इतना विरोध कर, क्या रिश्ता है अभी दोनों में? दोनों एक समान क्यों सोच रहे हैं? जो पाकिस्तान कहता है वो ही राहुल गांधी कहते हैं, क्या रिश्ता है? जरा महम की जनता को बताना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ चोरी युवाओं ने नारे लगाए कि भारत माता करे टुकड़े हो एक हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोदी जी ने उनको उठाकर जेल में डाला। राहुल गांधी कहते हैं वाणी का स्वातंत्र है, विरोध का अधिकार है। भैया राहुल मेरा विरोध कर लो, हमारे नेता मोदी जी का कर लो, मेरी पार्टी का विरोध कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर भारत माता का विरोध करने का साहस करोगे तो जेल की सजा मुझे मिलेगी। इसमें कांग्रेस पार्टी देश की इतनी बड़ी पार्टी 55 साल जिसने शासन किया वो पार्टी धारा 370 और 35 से हजार का विरोध कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ महंग वालों, कांग्रेस वाले आए बूढ़ा साहब आए तो पूछोगे कि धारा 370 का क्यों विरोध कर रहे हो? पूछोगे क्या? माताएं बोले पूछे कोई आप? जो पूरा देश तक खुश है कि कश्मीर हिंदुस्तान का भी अंग बन गया, कि कांग्रेस को नींद नहीं आती है क्योंकि उनकी वोट बैंक की राजनीति में फंक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। मैं जब यहां आया हूं तब हरियाणा में 5 साल पहले आया था, मैंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आप हमें दीजिए, हम हरियाणा को बदल कर सकते। 5 साल के बाद मैं आया हूं, मित्रों मुझे बताओ हरियाणा के अंदर आपके परिवारवादी पार्टियां चाहती, बाप गया बेटा आएगा, बेटा गया पड़पोता आएगा, चाहते हो क्या? ये कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है, चौटाला साहब की पार्टी भी परिवारवादी पार्टी है, और परिवार में भी कंपनी अंदर अंदर झगड़ा करते हैं। अगर ये पार्टियां हरियाणा का भला नहीं कर सकती, देश का भला नहीं कर सकती, पहले भूटा आते थे भ्रष्टाचार होता था, चौटाला आते थे गुंडागर्दी हम आती दिया नहीं आती थी भाई, आती दिया नहीं आती थी। आपने भारतीय जनता
Yeah, 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 yeah.